गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नवकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो कायरा रहती है उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उसने ड्रिंक कर ली रहती है, पर इंटेंशनली नहीं, नॉन इंटेंशनली ड्रिंक होती है। उसको नहीं पता रहता कि उस ड्रिंक में ड्रग्स है और वो गलती से कर लेती। पर उस रात को एथन मिया बहुत अच्छे से संभालते हैं, सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से टैकल करते हैं। और उस रात को जो स्ट्रैटेजी बहुत सारी होती है, होने के बाद ये लोग होटल में आते हैं और मिया और एथन अपने रूम पर चले जाते हैं। ये सब लोग अपने रूम पर चले जाते हैं और ये रात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अब उसके मॉर्निंग में, जैसी मॉर्निंग में रिद्धि उठती है तो सबसे पहले वो कायरा की तरफ देखती है। कायरा का मासूम सा चेहरा, उसे लगता है कि ये कितनी छोटी बच्ची है, मैं इसका ध्यान नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा। इसे हर एक मुसीबत से संभालना तो मेरी जिम्मेदारी है। ये देख के वो उसे फोरहेड पे किस करती है और उठती है। उठते से ही जाते से बालकनी में जाकर रिद्धि अपने डैड को कॉल करती है। ये सुबह का मॉर्निंग का कुछ 7 AM हो रहा रहता है और इंडिया में यहाँ पे नाइट चल रही रहती है। तो वो जैसी कॉल करती है और अपने डैड को बोलती है कि हेलो पापा, कैसे हो आप। तो उसे पापा कहते हैं, बेटा तुम्हारे बिना तो मन ही नहीं लगता है, अभी तुम्हें सिर्फ गए हुए 2 दिन ही हुए और ऐसा लग रहा है कितने जन्मों की दूरी हो गई है। और ऊपर से ये जो कैनेडा, ये इतना दूर है, अगर पास में होता तो मैं अपनी बेटी के इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए दूर से भी भाग कर आता। तभी वो बोलती है, हाँ पापा, चाहती तो मैं भी थी कि इस कॉन्फ्रेंस में आप रहें, बट पॉसिबल नहीं था और ऊपर से आपके इतना सारा काम वगैरह सब थे। तो कहते हैं, काम भी बहुत ज़्यादा है अभी, और आप बताओ, आपको सब कुछ ठीक है। तो कहती कि हाँ पापा, सब कुछ ठीक चल रहा है। एनी टेंशन रिद्धि, आपकी वॉइस पे टेंशन जैसी बातें आ रही है, बेटा बताओ क्या हुआ है। तो वो अपने डैड को वो कल रात के सारा इंसिडेंट बताती है। तो उसके डैड कहते कि अभी कायरा कैसी है, और अगर कुछ भी इशू हो तो आप बता सकते हो मुझे, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड बिफोर योर डैड। तो कहती, हाँ पापा, इससे तो आपको हर एक चीज़ बता देती हूँ, मुझे पता है कि आप मुझे जज के बदले एक दोस्त की तरह पहले ट्रीट करोगे। कोई बात नहीं पापा, गलती हमारी है, हमें पब नहीं जाना चाहिए था। तभी उसके डैड कहते, ऐसा नहीं है बेटा, बाहर आए हो घूमने फिरने के लिए तो देखोगे ही ना। देखो, कल्चर पे डिपेंड करता है। हमारे इंडिया का कल्चर थोड़ा सा टेम्पल, इधर टेम्पल वाला ट्रेडिशन है, हम धार्मिक प्लेसेस ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उनका कल्चर वैसा है, पब है, नाइट आउट लाइफ है, वो थोड़ी अलग है। तो आप अगर कहीं गए हो तो इन्जॉय तो आपको करना ही है, तो इन्जॉय करने में थोड़ी ना कोई प्रॉब्लम है। और मुझे इतना बुरा भी नहीं लगा और मुझे ऑकवर्ड भी नहीं लगा, इट्स जस्ट अ नॉर्मल। बस हाँ, कायरा का थोड़ा सा ध्यान रखो क्योंकि वो बच्ची है और थोड़ा सा टेंशन उसकी रहती है। तो कहती है कि हाँ डैड, मैं उनका ख्याल रखूँगी। पापा आपने नाश्ता किया, सॉरी मैं तो यहाँ मॉर्निंग है तो मुझे लगा नाश्ता, वहाँ तो नाइट है, आपने डिनर किया कि नहीं। हाँ बेटा, मैंने दाल खिचड़ी बना ली थी, मुझे सिर्फ दाल खिचड़ी बनानी आती है, मैंने खा ली है। तो कहता है कि ठीक है पापा, आप ध्यान रखो, बस मैं थोड़े दिन में ही आ जाऊँगी, 5-6 दिन के अंदर, आप टेंशन ना लो। तो कहते हैं, बेटा 5-6 दिन थोड़े दिन नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते, और आपके बिना तो एक पल अच्छा नहीं लगता है। कोई बात नहीं, आज आप पूरे दिन बिजी रहने वाले हो ना। तो कहती हैं, हाँ पापा, मैं कल आपको मॉर्निंग में कॉल करती हूँ, मतलब आपकी मॉर्निंग में, मैं ये जैसी कॉन्फ्रेंस ख़त्म होगी नाइट को आपको कॉल करती हूँ। तो कहती, ओके बेटा, चलो ध्यान रखो अच्छे से, और कायरा के और पेरेंट्स से भी बात कर लेना आप अगर कायरा ठीक नहीं है तो। तो कहती है कि हाँ पापा, मैं बात करती हूँ। तो थोड़ी देर में फ़ोन रखने के बाद जो रिद्धि है वो जाती है, चेंज करती है, मतलब फ्रेश होती है, ड्रेसअप अच्छे से पड़ती है, और इस बार उसने साड़ी पहनी रहती है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग आते हैं, तो वो अपनी इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए साड़ी पहनती है। वो भी साड़ी तिरंगे कलर की, एक तरफ ग्रीन होता है, एक तरफ ऑरेंज होता है, बीच में वाइट कलर का रहता है, और वो बहुत प्यारी साड़ी दिख रही रहती है और जिस तरीके से वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही रहती है। ये साड़ी दो लोगों ने पहनी रहती है, एक रश्मि और रिद्धि ने, दोनों का पहले से प्लान था कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो साड़ी पहन के जब तैयार होती है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रही रहती है। फिर वो अपने सबसे पहले तो वीडियो कॉल करती है अंजना आंटी को
और जैसे अंजना मम्मी फोन उठाती है कहती, ओ ओ ओ मेरी बहू तो कुछ ज्यादा ही सुंदर दिख रही है। क्या बात है, आज तो मतलब चार चांद लगाने हैं क्या? कोई कैनेडियन ना फंस जाए, याद रखिएगा बहू आप हमारे घर की हैं, आप कहीं और मतलब सोचना भी मत। तो वह हंसते हुए बोलती है, नहीं आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली वो अभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम लोगों ने ये पहना। तो कहते यही तो बात है कि हमारे इंडिया की कल्चर की खासियत ही यही है कि लड़की साड़ी में भी बहुत सुंदर दिखती है, और जिस तरीके से आप तैयार हुए हो आज तो बहुत लोगों के दिल मतलब फ्लैट होने वाले हैं आप पे। और वो हमारी लाडली साहिबा कहाँ है, उन वो क्या कर रही है, अभी तक आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया। तो कहती है वो तो सो रही है, एक्चुअली उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ है उनको, कुछ ड्रिंक विंक कर ली थी क्या रात को? नहीं ऐसा नहीं है आंटी, ड्रिंक विंक नहीं करी थी, एक्चुअली थोड़ी सी गलती से किसी और की ड्रिंक पी ली थी, तो उस वजह से थोड़ा सा हैंगओवर हो गया था, अभी काफ़ी ज़्यादा ठीक है। दीदी पक्का खुद ने ड्रिंक नहीं करी है, किसी और की पी ली थी? तो कहती नहीं आंटी पक्का किसी और की पी थी, मतलब उन्होंने ड्रिंक ऐसे नहीं करी थी, उनको पता है कि हम बाहर कंट्री में हैं, हमें ये सब चीज़ें नहीं करना है, तो उन्होंने नहीं करी थी, बस वो गलती से किसी और की ड्रिंक पी रही थी जिसकी वजह से हैंगओवर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अभी सो रही हैं। कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है ना? तो कहती कि नहीं नहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप टेंशन ना लीजिए। थोड़ी देर में ऐसी रिद्धि और अंजना आंटी की थोड़ी कन्वर्सेशन होती है, कन्वर्सेशन ख़त्म होने के बाद वो बोलती है कि अच्छा आंटी मैं तैयार हो जाती हूँ, इनको भी उठाती हूँ, कायरा को भी ब्रेकफास्ट वगैरह कराती हूँ क्योंकि अब कॉन्फ्रेंस में जाना है तो सबको रेडी करना है। तो कहती हाँ बेटा करो। तो यहाँ से रिद्धि बाहर निकलती है, सबसे पहले रश्मि के डोर पे नॉक करती है, तो रश्मि बोलती है कि तू तैयार हो गई, या मेरी मदद कर देना, या मुझसे साड़ी पहनते नहीं बन रही, ये देखो ना ये जिया देखो कुंभकर्ण की तरह सो रही है, इन्हें दिखता नहीं है कि मुझे आज रेडी करना चाहिए, आप प्लीज़ प्लीज़ हेल्प कर दे यार, तूने तो साड़ी कितने अच्छे से पहन ली, प्लीज़ हेल्प कर। तो कहती है कि हाँ मैं कर रही हूँ, रुक जा इतना पैनिक क्यों हो रही है, करती हूँ। तो वहाँ पे वो रिद्धि की जो रिद्धि हेल्प करती है रश्मि की साड़ी पहनने में, वो काफ़ी अच्छे से साड़ी पहनाने में हेल्प करती है। तो जिया और कायरा तो इतने मतलब सो रहे रहते, उन्हें कोई होश ही नहीं रहता कि इन लोगों का कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि जिसकी कॉन्फ्रेंस रहती है उसे ही टेंशन होती है। रिद्धि काफ़ी अच्छे से साड़ी पहना देती है रश्मि को, और रश्मि जब पूरे तरीके से साड़ी अच्छे से पहन लेती है तो वो उसे बोलती है कि रिद्धि यार हेयर स्टाइल भी कर देना प्लीज़। तो कहती है यार मेरे को नहीं आती है, मेरे तो खुद के बाल देख नॉर्मल ही है, मुझे नहीं आता। तो कहती यार ठीक है ना थोड़ा तो स्टाइल में कर दे यहाँ से प्लीज़। कहती जिया को आती है ना, जिया को उठा। तो जिया को जाके रिद्धि उठाती है, तो रिद्धि पहले उठाती, उठ जिया, जिया जल्दी उठो हमें जाना है कॉन्फ्रेंस में। अरे रश्मि यार सोने देना यार आ जा। तो वो रिद्धि को पकड़ लेती है और उसे हक करती है, तभी रश्मि चिल्लाती है अरे उठो, उसके मुंह पे एकदम से पानी जाके बोलती है रिद्धि को छोड़ो, रिद्धि को छोड़ो हरकत ही क्या है। तो कहती है अरे सॉरी रिद्धि यार मेरा इंटेंशन नहीं था। तो कहती है इट्स ओके बट थोड़ा जल्दी हो, हमें रेडी होना है, मैं कायरा को उठाने जा रही हूँ, और रश्मि के ना हेयर स्टाइल कर देना मुझे जल्दी कर, ठीक है लेट मत कर प्लीज़। कहती है अच्छा ठीक है तू जा। तो वहाँ से कायरा को उठाने के लिए रिद्धि वापस चली जाती है अपने रूम में। जब वो रिद्धि के जब कायरा देख को बेड पे नहीं देखती है, तो उन्हें लगता है कि कहाँ हो गया, कुछ तबीयत तो ठीक है कि नहीं, तो वो वॉशरूम में रहती हैं। तो कायरा वॉशरूम में रहती हैं, तब रिद्धि जाके नॉक नॉक करती है, कहती कायरा एवरीथिंग इज़ ओके, कायरा कायरा आप ठीक तो हैं? तो वो बोलती है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, एक्चुअली ना बस थोड़ा सा हैंग ओवर हो रहा है रिद्धि, पता नहीं सर बहुत फट रहा है, कुछ याद नहीं आ रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे कायरा आप गेट तो ओपन करिए मैं आती हूँ अंदर। तो कहती नहीं रिद्धि बहुत अजीब सा लग रहा है, पता नहीं मेरा सर बहुत ज़्यादा घूम रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। रिद्धि कहती है अरे कायरा आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, इट्स ओके एक बार मैं अंदर आती हूँ फिर ठीक हो जाएगा, आप बाहर आओ। समथिंग इज हैपन लास्ट नाइट का है रिद्धि, मुझे सच्ची में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, आप मुझे बताओगे? हाँ
हाँ कायरा, मैं सब बताती हूँ। कल रात को आपने थोड़ी सी आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो कहती मैंने ड्रिंक करी थी क्या? तो रिद्धि कहती है कि इंटेंशनली ड्रिंक नहीं करी थी, नॉन इंटेंशनली ड्रिंक हो चुका था। अब बट वो सब बातें छोड़िए ना, आप मुझे पहले अंदर तो आने दीजिए, रिद्धि कहती है। तभी कायरा कहती है कि नहीं बेबी, आई वॉज नॉट फीलिंग गुड, मैं आती हूँ बाहर थोड़ी देर में। तभी रिद्धि कहती है कि बेबी प्लीज़ ओपन द डोर, लेट मी जस्ट कम इनसाइड, फिर हम बात करते हैं ना। तो कायरा अपना गेट खोल देती है, कहती है ओके। जैसी गेट खोलती है वैसी रिद्धि अंदर जाती है। जैसी रिद्धि अंदर जाती है तो कायरा तो पहले तो रिद्धि को देखे देखे एकदम शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने तिरंगे को रिप्रेजेंट करने वाली साड़ी पहनी रहती है। और यू लुकिंग सो ऑसम रिद्धि, आई मीन मैं तो देख के ही हैरान हूँ, आप कितनी ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, जस्ट यू आर लुकिंग ऑसम। तभी रिद्धि कहती है थैंक यू कायरा, चलो पहले बाहर आओ। तो कहती है कि हाँ मैं आती हूँ, और वो बाहर आके वहाँ बैठती है। तो 2 मिनट में वहाँ से जाके डिस्प्रिन की टैबलेट लेकर कायरा को वो पिलाती हैं। जैसे ही कायरा पीती है बोलती है कि रिद्धि यू आर लुकिंग सो हॉट, मत जाओ ना, यहीं पे रुक जाओ ना, प्लीज़ यहीं पे मेरे साथ। तो रिद्धि स्माइल करते हुए बोलती है बेबी मैं यहाँ रेडी, अपने पेपर कॉम्पिटिशन के लिए हुई हूँ ना, कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे जाना है, आप जल्दी से रेडी हो जाओ वरना आप कॉन्फ्रेंस मिस कर दोगे, और मैं नहीं चाहती कि आप कोई भी कॉन्फ्रेंस मिस करो, मेरे साथ आओ और ज्वाइन करो। तो कहती है कि हाँ, पर अभी अभी मत जाओ ना। तो कहती है नहीं, हम लेट हो गए, आप जल्दी से जाओ, मैं आपकी ड्रेस निकाल रही हूँ, जल्दी से जाके फ्रेश हो। तो जो कायरा रहती है उसकी तो ऐसे बोल सकते हैं कि मदहोश वाली हालत हो जाती है, कि वो उठ के जाने के लिए रेडी नहीं रहती है। तभी जो रिद्धि है उसे इतना फोर्स करती है, इतना फोर्स करती है, उसकी पूरी ड्रेस निकालती है, टॉवल निकालती है, सब कुछ निकाल के उन्हें उन्हें थोड़ा सा पुश करके भेजती है नहाने के लिए। तो कायरा जाती है, पर कायरा गेट पर ही खड़े होकर देख रही रहती है रिद्धि को। तभी रिद्धि कहती है कि प्लीज़ बेबी हम लेट हो जाएंगे, आप बाद में कर लेना ना, देख लेना मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तो कहती है बाद में आप इतने सुंदर दिखोगे कि नहीं, अभी देखने दीजिए ना। तो कहती है बेबी हम लेट हो जाएंगे, आप टाइम देख लो ना, प्लीज़ समझा करो। तो कहती है ओके। फिर ऐसे कह के वो नहा के जाती है, फिर वापस जैसे निकलती है तो उनको हेयर वॉश करने के लिए बोला रहता है रिद्धि ने। तो जैसे ही रिद्धि से वापस आती है तो उसके पूरे बाल गीले गीले रहते हैं, और ठंड का माहौल रहता है। तो घर मतलब जो रूम्स में तो हॉट हीटर्स चल रहे रहते हैं, तो जिसकी वजह से पता नहीं चलता है। तो वो बैठती हैं, फिर पूरे उसके बाल को ड्राई कर रही रहती है। जैसे जैसे वो बाल को ड्राई कर रही रहती है तो कायरा उनकी जो वेस्ट है उसको देखे रही रहती है। कायरा को रिद्धि की वेस्ट इतनी हॉट एंड सेक्सी दिख रही रहती है कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाती। वो अपना हाथ उस वेस्ट पे रखती है और उसे प्रेस करने लग जाती है। तभी रिद्धि बोलती है कि बेबी नहीं प्लीज़ अभी नहीं, समझो ना। तो कहती है कंट्रोल नहीं हो रहा है रिद्धि, मैं क्या करूँ, मेरी क्या गलती है, आप इतने हॉट दिख रहे हो, तो आज तो आपको देखते से ही मतलब मेरे अंदर अजीब सी फीलिंग्स आ रही है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़। तो रिद्धि थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके दूर होके बोलती है कंट्रोल करना पड़ेगा, मेरा कॉम्पिटिशन्स है और मुझे जाना होगा, सुबह सुबह नहीं हो सकता ये सब चीज़ें। तो कहती है कि पीपीआर कैंसिल कर दो ना। तो रिद्धि कहती है नहीं कैंसिल नहीं हो सकता है, और अभी तो बिल्कुल भी नहीं, हम लेट हो रहे हैं, आप खुद ही अपने आप बाल को ड्राई कर लो, मैं जाती हूँ। तो जैसी वो जाने वाली रहती है कायरा उसका हाथ पकड़ के खींचती है, और पीछे से उसकी वेस्ट पे दोनों पे हाथ रख के उसको प्रेस कर रही रहती है। यहाँ पे रिद्धि भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही रहती है। रिद्धि बोलती है कि नहीं प्लीज़ जाने दो जाने दो जाने दो। तो कायरा कहती है नहीं, और जो कायरा रहती है वो जो नेक होती है वहाँ पे किसेस करना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ से रिद्धि की भी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जैसे उसने अपनी बॉडी सिलेंडर कर दी हो पूरे तरीके से कायरा के ऊपर।
अब वो कायरा की बॉडी पे तो मतलब गिर चुकी रहती है, और कायरा बहुत प्यार से उसको पूरी नेक पे किस कर रही रहती है, फिर नेक से बैक पे किस करना स्टार्ट कर देती है। तो जैसे कैसे वो किस कर रही रहती है कि यहाँ पे रिद्धि भी मदहोश हो रही रहती है, वहाँ पे कायरा तो मतलब खो चुकी रहती है, ऐसा लगता है कि कायरा को और कुछ दिख ही नहीं रहा है, वो पूरी पागलों की तरह कर रही रहती है। वो खुद टॉवेल में रहती है, खुद उसके मतलब खुद को नहीं किया रहता है, लेकिन वो रिद्धि के ऊपर तरीके से बोल सकते हैं ना महसूस करने लग जाती हैं। थोड़ी देर में ना एकदम से बैल रिंग होती है इनके वहाँ से, तो वो एक्चुअली रूम सर्विसेज की बैल रिंग होती है। तो तभी रिद्धि होश में आती है और कायरा को धक्का देते बोलते कि जाओ कपड़े पहनो, और वो जाके रूम सर्विस रहता है। रूम सर्विस जैसे ही ओपन होता है तो वहाँ से एक ट्रॉली आती है, फूड ट्रॉली, जिसके अंदर ना ब्रेकफास्ट रखा रहता है। वो कहती है थैंक यू, फिर रख देती है। तो कायरा बोलती है कि अरे बेबी यार हाँ ये भी बहुत गलत टाइम पर आया। तो कहती नहीं बिल्कुल सही टाइम पर आया है, और थैंक गॉड सही टाइम पर आया है, वरना तो आज तो आप ना कुछ भी करते। ये रखा है ब्रेकफास्ट, जल्दी करिए, जाइए पहले तो कपड़े पहनिए। तो वो बोलते आप पे ना दो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नखरे दिखा रही रहती है कायरा कि जैसे वो खुद नहीं पहनेगी, आप करो सब कुछ एक छोटे बच्चों की तरह। तभी रिद्धि बोलते कि कायरा मैं सीएस हूँ, मेरा कंपटीशन है, मुझे थोड़ा पढ़ने भी दो, अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थोड़ा सा सख्त लहजा होता है, क्योंकि उसका उसका भी माइंड में एक्चुअली सेट रहता है कि उसको अभी कंपटीशन के लिए रेडी होना है, ना कि चीज़ों के लिए। तो कायरा को भी समझ में आता है कि वो थोड़ा मजाक ज़्यादा कर चुकी है, तो वो खुद रेडी हो जाती है पूरे तरीके से। वो जीन्स टॉप जो उसको पहनना रहता है वो सब पहनती है, जैकेट वगैरह लेती है, अच्छी रेडी हो जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर एक फाइल रहती है जिसमें से रिद्धि है वो पढ़ रही रहती है कि उसे कौन से पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना है और किस पॉइंट पे ज़्यादा डीप डिस्कशंस देने हैं, वो सब पढ़ रही रहती है। तभी कायरा बाजू में आके बोलती है कि ब्रेकफास्ट तो कर लो, उस वो नहीं करोगी तो एनर्जी कैसे रहेगी। तो कहती है आप कर लो मैं देख लूँगी। तो कहती नहीं नहीं आप करो। तो फिर वो बहुत प्यार से उसके सामने सैंडविचेस आगे रखती है और बोलती खा लो, आई एम सॉरी, मुझे सिचुएशन को समझना चाहिए था, बट क्या करूँ आपको देख के सिचुएशन भी याद नहीं रहती है। तो रिद्धि कहती है कि कोई बात नहीं, ठीक है आप कोई कोई इशू नहीं है, अब आप समझ गए ना, अब मैं पढ़ लूँ ज़रा। तो कहती है हाँ हाँ पढ़ लेना, मैंने कब मना किया है, पर ये खा तो लो, और ऐसे करके उसे खिलाने लग जाती है। तो दोनों एक दूसरे के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उतनी देर में जो गेट ओपन रहता है तो रश्मि और जिया आ जाते हैं, तो वो लोग भी वहीं पर ही मतलब रिद्धि ने उन लोगों के लिए भी फूड एक ही साथ मंगाया रहता है, तो सब कर रहे थे। तभी रिद्धि को देखने के बाद रश्मि को जब देखती है कायरा तो बोलती है कि मैम आपने भी साड़ी पहनी है, यू आर ऑल्सो लुकिंग गॉर्जियस। तो कहती है कि हाँ पर रिद्धि से ज़्यादा नहीं। तो कहती है कि नहीं नहीं मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है। जिया कहती है अरे रिद्धि तो फीकी है। तो रिद्धि हंसते हुए बोलती है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा फीकी हूँ, मिर्च मसाला तो यहाँ दिख रहा है ना। तो कहती है कि हाँ और ये कितनी अच्छी हेयर स्टाइल किसने डाली। तो जिया आगे खड़े होकर अपना हाथ आगे करती है, और जैसे पोजीशन होती है ना कि मतलब हाथ एक नीचे करके हेड थोड़ा झुकाकर बोलते हैं ना हैट्स ऑफ करते हुए, तो वैसे बोलते कि मैंने मैंने करी है, मेरी वाइफी की तो मैं ही करूँगी ना अच्छे से। तो रिद्धि कहती है कि हाँ बहुत अच्छी हेयर स्टाइल लग रही है, देखा रिद्धि मुझे तो आता, देखा रश्मि मुझे तो आता भी नहीं है ये सब करना, और कितने अच्छे से जिया ने किया है, एंड आई रियली लव इट। तो कहती है कि हाँ अच्छी तो करी है, पर कितना टाइम लगाया इन्होंने करने में आपको पता नहीं है। तो यहाँ रिद्धि बोलती है टाइम तो यहाँ पर भी बहुत लगा। तो वो बहुत स्लो बोलती है और रश्मि समझ जाती है, पर वो कुछ बोलती नहीं है। तो कहती है ठीक है चलो चलो ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं नीचे। जैसे ब्रेकफास्ट जल्दी से ख़त्म होता है सबके सब नीचे चले जाते हैं फाइल्स वगैरह लेकर। जो रश्मि और रिद्धि रहते हैं वो दोनों साथ में चलते हैं, कायरा और जिया थोड़े पीछे चल रहे थे, क्योंकि ये लोगों को कंपटीशन में जाना रहता है, तो उन लोगों का अलग ही वे रहता है। तो जाते जाते थोड़ी देर में वहाँ पर उन्हें मियाँ मिलती है। तो मियाँ एकदम से कायरा को पूछती है हाउ इज़ योर हेल्थ कायरा, आर यू ओके। तो कायरा को तो याद ही नहीं रहता कि उसके साथ क्या हुआ था। तो कायरा बोलती है माई हेल्थ इज़ नॉट गुड। जिया को पूछती है
तो जिया बोलती है, तुम जिया मियाँ के कान में जाके बोलती, शी डोंट नो एनी थिंग, शी आई थिंक शी डोंट रिमाइंड. ओके 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 दैट्स ओके, सो वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस टॉपिक टू हर. तो जिया कहती या थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस. तो कहती हाँ हाँ श्योर श्योर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं सब समझती हूँ, मुझे ये सारी बातें नहीं करनी है उससे. तो कहती ओह थैंक यू. तो ये लोग जाते हैं, सब लोग पेपर कॉम्पिटिशन की एक ऑडियंस सीट्स अलग होती है, वहाँ पर जाकर ये सब बैठ जाते, तीनों के तीनों, मियाँ जिया और खासकर तायरा, ये सब एक जगह बैठते हैं. यहाँ पर अब धीरे धीरे सबके सब अलग अलग जगह बैठे रहते हैं. तो एक इंटरनेशनल पेपर कॉम्पिटिशन्स का फर्स्ट राउंड होता है, जिसमें सब इंट्रोडक्शंस होते हैं, जिसमें सारे यू नो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स रहते हैं, उन सब के बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाता है. फिर धीरे धीरे कॉम्पिटिशन्स का लेवल हाई होता है, तो जो सब डिवाइडेड हो जाते हैं. तो जो ऑडियंस रहती है वो तो वहीं बैठी रहती है, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पर लोग आके अपने स्टार्ट होता है. तो फर्स्ट राउंड होता है इकोनॉमिक्स का, मीन्स इकोनॉमिक्स के जो भी पेपर्स है, इकोनॉमिक्स के ऊपर जो भी रिसर्च करी है, जो भी स्कॉलर्स रिसर्च करी जाती है, डीपली रिसर्च, कौन सी एक न्यू टेक्निक है, कौन सी न्यू चीज़ें बताई गई है, ऐसी कौन सी नई चीज़ें हैं जो शायद रिप्रेजेंट अच्छे से करे चीज़ों को, एक डिफरेंट मोड पे लेकर जाए, हर चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कुछ नई चीज़ों को लॉन्च किया जाता है. तो जब वो चीज़ें लॉन्च होती है, तो पहले तो एथन आता है, एथन आता है, एथन अपने पूरे बारे में बताता है, और वो भी बहुत डीपली, अच्छा मतलब एक बोल सकते हैं ना, टफ कंपटीशन देता है अपने थीसिस से और अपने वो कॉन्फ्रेंस पेपर से, कि ये सब चीज़ें उसने रिसर्च करी रहती है, वो बहुत डीपली होती है. उसका टॉपिक इकोनॉमिक्स से रहता है, मतलब नेशनल इनकम से रहता है, जिसके बारे में बताया जाता है, नेशनल इनकम के बारे में बताया जाता है कि कौन सी चीज़ें कैसी होती है, किस तरीके से रिप्रेजेंट हुआ होता है. थोड़े टाइम के बाद बहुत सारे आते हैं, जब साउथ अफ्रीका का ख़त्म हो जाता है तो अमेरिका से आते हैं, साउथ अमेरिका वहाँ से आते हैं, फिर ऑस्ट्रेलियंस आते हैं, तो ऑस्ट्रेलियंस आते हैं, फिर इंग्लैंड से आते हैं, सबके सब कनाडा वगैरह, सॉरी लंदन वगैरह सबसे आते हैं, कैनेडियंस भी आते हैं, सब कुछ अच्छा खासा रिप्रेजेंट कर रहे रहते. एट लास्ट बोल सकते हैं, लास्ट सेकंड में इंडिया का रिप्रेजेंट होता है. जब इंडिया का रिप्रेजेंट होता है तब रिद्धि आती है, और जब रिद्धि आती है तो सबसे पहले तो वो अपने इंडियन लैंग्वेज में मतलब नमस्ते करती है सबको, और एक श्लोक बोलती है कि जो हमारे मतलब अच्छा खासा श्लोक होता है उसका, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाला रहता है. फिर उसके बाद वो स्टार्ट करती है अपने थीसिस के बारे में. तो जब वो थीसिस स्टार्ट करती है तो धीरे धीरे वो अपने टॉपिक्स बताती है. तो उसका टॉपिक रहता है कि करप्शन, जहाँ पर वो मेन हेडलाइंस करती है करप्शन को लेकर, क्योंकि इकोनॉमिक्स को रिप्रेजेंट तो इथन ने कर चुका रहता है, लेकिन इकोनॉमिक्स को बढ़ना घटना क्या रीज़न हो रहे हैं, उसके पीछे के जो बिहाइंड रीजंस होते हैं, वो सब के सब रिद्धि रिप्रेजेंट करती है. उसका मेन टॉपिक होता है करप्शन, कि कहाँ से करप्शन बढ़ रहा है, और करप्शन बढ़ने की सोच क्या है, किस रीजंस की वजह से करप्शन बढ़ रहा है. हम बहुत आसानी से कह रहे थे कि करप्शन हो रहे हैं, लोग करप्टेड हो रहे हैं, इकोनॉमिक्स को नहीं देख रहे हैं, सब अपने मतलब के लिए हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, उस सारी वजह जो है रिद्धि बहुत डीप में अच्छे से एक्सप्लेन कर रही रहती है. और उनके एक्सप्लेन करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड वे में होता है, जिसके बारे में होता है. लास्ट में वो बहुत अच्छे से पूरा जब प्रेजेंटेशन ख़त्म हो जाता है और अपनी थीसिस को एक समराइज्ड फॉर्म में वो बहुत अच्छे से बोल देती हैं, तो लास्ट में वो सबको थैंक यू कहती है और अपने इंडियन कल्चर में दो तीन वर्ड्स हिंदी के बोलकर वहाँ से निकलती हैं. तो उनका जो प्रेजेंटेशन जो तो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करती हैं, और जाते टाइम उनका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी रहता है, और सबको बहुत पसंद भी आता है. नेक्स्ट इसके बाद जो रिप्रेजेंटेशंस ख़त्म होने के बाद
रश्मि का टाइम रहता है तो आप फ्रेंड्स देखते हैं कि रश्मि कैसे रिप्रेजेंट करती हैं और उनका क्या टॉपिक रहता है, किस तरीके से वो हैंडल करती है, वो सब जानेंगे हम कुछ आगे वाले एपिसोड्स में। अभी तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मैं ज़्यादा रिकॉर्ड करना चाहती थी पर मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ। दूसरी चीज़, थोड़ा सा हेल्थ भी ठीक नहीं है, आपने देखा होगा बीच बीच में मैंने खांसी वगैरह, मुझे गले में थोड़ा पेन हो रहा है, इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। और साथ ही साथ देखते हैं आगे क्या होता है। सो इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।